कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का आज 24वां दिन है। इस आपदा की स्थिति पुलिस, मेडिकल कर्मी, सफाई कर्मी जैसे कई कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी पर तैनात थाना प्रभारी मनोज कुमार व हल्का इंचार्ज मीर हसन अजहर जैदी व पुलिसकर्मी रात दिन ड्यूटी करके इसका पालन करा रहे हैं। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम नरेनी निवासी समाज सेवी इमरान मलिक के नेतृत्व में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गश्त कर रही पुलिस पर फूलों की बरसात की। थाना प्रभारी व पुलिस कर्मियों का फूल बरसाकर सम्मान किया। समाज सेवी इमरान मलिक की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस की बड़ी भूमिका है। जगह जगह नाकाबंदी कर पुलिस लोगों को कोरोना से बचाव हेतु रोकने में जुटी हुई है। पुलिस कर्मचारी 24 घंटे अपने काम को अंजाम देने में मुस्तैदी से नजर आते हैं। मौसम जाहिद, अकील अहमद, मतलब अहमद, नसीम अहमद, गुफरान अहमद, रमजानी, मंसूर अहमद, दानिश मलिक, माजिद अहमद आदि अपने अपने घरों की छत से पुलिस कर्मियों पर फूलों की बरसात कर पुलिस का हौसला बढ़ाया। उधर थाना प्रभारी ने लॉकडाउन के चलते गाँव में ग्रामीणों की एक मीटिंग लेकर बताया कि फेसबुक फाइट कोरोना व आरोग्य ऐप के बारे में जानकारी दी। इमरान मलिक ने थाना प्रभारी मनोज कुमार के द्वारा ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर का भी वितरण कराया व थाना प्रभारी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। आज न्यूज चैनल के लिए रिपोर्टर मोहम्मद शावेज की रिपोर्ट। कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से हमने आज जो हमारे शासन प्रशासन, हमारे जो मेडिकल स्टाफ और हमारे सफाई कर्मचारी जो लोग हमारी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, आज हमने उनका शुक्र अदा करने के लिए अपने इस गांव में, गांव नरेना है, नरेनी में, गांव नरेनी के अंदर हमने उनका आज स्वागत किया। जो उनका हम आभार जता सकते थे वो हमने उनका आभार आज जताया। आज हमारे गांव वालों ने, सब ने फूलों की बरसात उनके ऊपर किया कि वो उनका एक आभार प्रकट करने के।